नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 2 दिसंबर दिन गुरुवार, इस दिन प्रदोष व्रत है, मासिक शिवरात्रि है। इस कली काल में अगर आपके पास धन है तो आप शारीरिक परेशानी से पीड़ित हैं। बहुत से लोगों के पास धन नहीं है तो धन संबंधी समस्या से पीड़ित है। इस कलयुग में हर कोई एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित जरूर है। आज के वीडियो में जानेंगे, क्योंकि 2 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत विशेष तौर पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है और यह हर महीने के त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में दिसंबर माह में 2 दिसंबर को प्रदोष व्रत है और कलयुग में इसे अति मंगलकारी कहा जाता है। त्रयोदशी के सायन काल को प्रदोष काल कहा जाता है और प्रदोष काल के समय में महादेव जो है कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवी देवता उनके गुणगान करते हैं। साथ ही साथ इस दिन जो है 2 दिसंबर के दिन त्रयोदशी के साथ चतुर्दशी है। जी हाँ मित्रों, चतुर्दशी के दिन ही शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ था। इसलिए मित्रों, प्रत्येक कहा जाए मंथ के जो चतुर्दशी होता है, इस दिन भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा जरूर करना चाहिए। जी हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक माह के जो चतुर्दशी होता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होता है, इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों को बताने वाला हूँ कि प्रदोष व्रत साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि, तो इस दिन भगवान शंकर जी को क्या चढ़ाया जाए जिससे हमारे जीवन में चल रही प्रत्येक प्रकार के जो कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वह समाप्त हो। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, सबसे पहले अगर आप शंकर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शंकर जी को जितना ज्यादा हो सके जल चढ़ाएं। शिव पुराण में कहा गया कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं और शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़े है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था और विष की उष्णता को शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवता ने उन्हें जल अर्पित किया। तो भगवान शंकर जी को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो भगवान शंकर जी के जो विष संबंधी समस्या वह दूर होते हैं। यानी कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति विष घोल रहे हैं, आपको निरंतर परेशान करे, तो भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने से आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानी वह दूर हो जाते हैं। दूसरा, बिल पत्र चढ़ाते हैं। बहुत से लोग बिल पत्र चढ़ाते हैं लेकिन इसके बारे में पता नहीं होता। भगवान के जो 3 नेत्रों का प्रतीक बिल व पत्र को माना जाता है और 3 पत्तियों वाला बिल पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जी हाँ मित्रों, और जो बिल पत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है कि एक बिल पत्र जो है 1 करोड़ कन्या दान के फल के बराबर होता है। समझ लीजिए, 1 करोड़ आपने कन्या दान दिया, इनके पुण्य के बराबर होता है। इसके साथ ही भगवान शिव जी को धतूरा चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी को धतूरा अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में कहा जाता है, धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शंकर जी को जो धतूरे चढ़ाते हैं तो भगवान शिव जी धतूरे चढ़ाने से तत्काल प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि जो धतूरे हैं, एक प्रकार के औषधि माना जाता है। कैसा औषधि, आई इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा। भगवान शिव जो है धतूरे चढ़ाने से क्यों प्रसन्न होते हैं, इस वीडियो में बताने की प्रयास करूंगा। तो धतूरे जो है, भगवान शिव जी विष खाने के बाद जब विष को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तब अश्वनी कुमारों ने धतूरे बिल्व पत्र को मिला करके औषधि बनाया और भगवान शिव जी को चढ़ाया। तो भगवान शिव जी को चढ़ाने से उनकी जो विष संबंधी परेशानी वह शांत होती हैं। इससे हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, बाधाएं, तकलीफ हैं, ये भी मिटती हैं। भगवान शंकर जी को चावल चढ़ाना जरूर चाहिए, क्योंकि चावल को अक्षत कहा जाता है, यानी कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसका रंग सफ़ेद होता है। और अक्षत का उपयोग भगवान शंकर जी की पूजा में अगर आप नहीं करते तो वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, वह पूजा पूर्ण नहीं माना जाता। तो भगवान शंकर जी का अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इसमें मैंने इस वीडियो में बताया कि जैसे कि आप सभी दर्शकों को बिल पत्र चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए और अंतिम बात बताना चाहूँगा, रुद्राक्ष जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी के जो अक्ष है, यानी कि आँख से रुद्राक्ष, भगवान रुद्र यानी कि शिव जी कहे जाते हैं, अक्ष मतलब आँख कहे जाते हैं, जो रुद्राक्ष होता है भगवान शिव जी की आँख कहे जाते हैं। और शिव पुराण के अनुसार एक ही रुद्राक्ष को स्वयं शिव कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान शंकर जी को रुद्राक्ष पहना करके धारण कर लेते हैं तो उनके शारीरिक, मानसिक, धन संबंधी परेशानी, जीवन में प्रत्येक जो परेशानी व परेशानी चुटकियों में समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान शंकर जी को आप स्वयं धारण कर रहे हैं। और जो व्यक्ति शंकर जी को धारण कर ले, उनके जीवन में फिर कोई कष्ट, बाधा, तकलीफ आ ही नहीं आने वाला, नवग्रह की पीड़ा, सब पीड़ा स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।